हेलो एवरीवन वेलकम टू बाणिक गुड मॉर्निंग आज आम आपंक इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आनिक आसछु इंडियन एयरफोर्स रो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट पाई सो जार वैकेंसी टोटल अछि आपनकर 336 ओके 336 पोस्ट अछि सो बेसिकली ए वीडियो रे हम डिस्कशन करबा कि आपनकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन रहइबो आपन केमिते अप्लाई करिवे ओके एंड फीस कोन होबो एंड तारो डेट केबे टू केते आपनकर अप्लाई डेट अछि ओके सो लेट्स स्टार्ट ओके देखंतु बेसिकली एटा आपन नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एफकेट आमे जाहो कहउचे आपनकर 2025 सेशन पाए ठीक अछि ओके व्हाट इज इंपोर्टेंट इज दैट कि एई जो आपनकर रिक्रूटमेंट एटा बेसिकली आपनकर शॉर्ट सर्विस कमीशन पाए ओके ताको कोन कहा जाय एसएससी बोली कहा जाय शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट इज यदि आपन एठी अप्लाई करूछनते एंड इफ यू आर गेटिंग इनटू द जॉब देन आपन पाका बाकी 10 रु 14 वर्ष काम करिवे एयरफोर्स रे बुझि परले 10 रु 14 वर्ष से ताको कोन कहा जाय शॉर्ट सर्विस कमीशन बोली कहा जाय ठीक अछि ओके तो ए जो नोटिफिकेशन रासी आपनकर डेटा पाए बोथ टेक्निकल एंड एज वेल एज नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड पाए बोथ आपनकर टेक्निकल अछि एंड एज वेल एज नॉन टेक्निकल ब्रांचेस बुझि उछि जार के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपन के स्टार्ट हो वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेट आपनकर 2 दिसंबर 2024 रु स्टार्ट बाकू जाउछि जोटा कि एंड हो आपनकर 31 दिसंबर केबे 31 दिसंबर बुझि हला दुटा डेट फर्स्ट 2 दिसंबर स्टार्ट हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ता सरीबो आपनकर 31 दिसंबर सो ए डेटा इंपोर्टेंट मन रखिबे ठीक अछि ओके अगेन मु ऑलरेडी कोइ सर्च आपन को शॉर्ट सर्विस कमीशन पाई बोथ एज वेल एज आपन को टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में ठीक अछि सर तो ए जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस आपन को डेटा पोस्ट आसीबो वन इज गोठल आपन को फ्लाइंग ब्रांच कैटेगरी आसीबो आउटल आपन को ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी बुझि परले कोन कोन फ्लाइंग ब्रांच कैटेगरी एंड ग्राउंड ड्यूटी कैटेगरी ठीक अछि बे आमे देखिबा बेसिकली आरो कोन कोन आपन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जार को अछि वन बाय वन देखंतु एंड आपन से अनुसार फिक्स करबे ठीक अछि देखंतु बेसिकली एटा आपन को डिटेल्स वैकेंसी रो कोन कोन को ब्रांचेस टा ओके कोर्स नंबर तारो थाय एंड केते केते कोन वैकेंसी जार को अछि ठीक अछि कोर्स नंबर इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर अस एटा टेक्निकल जिनिस आउ पई कोन इंपोर्टेंट वैकेंसी केते अछि मेल आ फीमेल पै ठीक अछि ओके एफकेट एंट्री टा देखंतु को ब्रांच आपन के दीटा ब्रांच मु ऑलरेडी कहते गोठला आपन को फ्लाइंग ब्रांच आउटला ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच एंड आपन को ग्राउंड ड्यूटी दुटा आसीबा गोटे टेक्निकल ब्रांच आसीबा आउटला नॉन टेक्निकल कैटेगरी ठीक अछि ओके तो जदि आपण फ्लाइंग ब्रांच को देखिबे शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी माने मेन पाई 21 वैकेंसी अछि एंड फीमेल पाई 9 टा वैकेंसी अछि बुझेला ठीक अछि ओके जदि हम एबे ग्राउंड ड्यूटी को देखिबा टेक्निकल कैटेगरी रे देन आपण को ओके ए जो एल टा अछि एटा आपण को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिक बुझियो छी आ एटा आपन को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल तो इलेक्ट्रिक पाई आपन को 95 अछि मैकेनिकल पाई आपन को 53 वैकेंसी अछि एटा मेल पाई फीमेल पाई लाइक वाइज 27 फॉर एएल एंड 14 फॉर ई बुझेला ए जाय क्लियर ओके देखंतु देन एटा आपन को टेक्निकल ब्रांच पाई थिला जदि हम नॉन टेक्निकल पाई देखिबा देन एटा आपन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आसीबो गोटे हला वेपन सिस्टम ब्रांच ओके एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच ओके जीएस ब्रांच ठीक अछि असिस्टेंट ब्रांच इंडियन ब्रांच एमबीटी ब्रांच एटसेट्रा जेमिति कि फर्स्ट अछि आपन 14 वैकेंसीज देन 42 देन 13 देन 11 7 7 एटा आपन को मेल मेंबर पाई लाइक वाइज फीमेल पाई फर्स्ट अछि 3 टा वैकेंसी 11 3 2 2 2 जदि आपन टोटल वैकेंसी को मिसेबे देन योर वैकेंसी विल बी अराउंड 366 जोटा में फर्स्ट स्लाइड रे देखिथि बुझि होछि ओके आ गुटे बढ़िया अछि कोन जो माने एनसीसी अछन्ते ताको पाई गुटे स्पेशल एंट्री दिया जाय ताको एनसीसी स्पेशल एंट्री बोली कहै छै एटा को कैटेगरी आसीबो एटा आपन को फ्लाइंग कैटेगरी जोटा हम फर्स्ट देखि देले कोटा फ्लाइंग कैटेगरी ठीक अछि तो एटा कोन आपन को 10% सीट्स आपन को कोन सीडीएससी जदी वैकेंसी दिया जिवो देन आपन 10% सीट अवेल करि परिबे जदी आपन को एनसीसी स्पेशल एंट्री अंडर आपन जाउ छथि ओके ठीक अछि तो एटा हला आपन को इंपोर्टेंट निटिग्रिटीज ऑफ कोन ब्रांचेस अछि कोन वैकेंसीज अछि एंड ऑल दैट ठीक अछि नाउ हम देखिबा कि आपन बेसिकली एप्लीकेशन ता अप्लाई केमदि करिवे ओके चलंतु आउ कोन केटा क्राइटेरियाज देखिबो फर्स्ट कोन पचर जे एज टा एज इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्वियसली आपण जे डिफेंस जाउ जंते टेक्निकल देन योर एज इज वेरी इंपोर्टेंट ओके फ्लाइंग ब्रांच जदी आपण अप्लाई करबा चाहौ जंती तो आपण कर एज क्राइटेरिया यू शुड बी बिटवीन 20 टू 24 इयर्स 20 रु 24 वर्ष भीतर आपण को होतिबा कथा को डेट अनुसार 1 जनवरी ऑफ 2026 बुझियो छी दैट इज आपण 2 जनवरी 2002 रु आरंभ करि के बुझियो छी ओके 1 जनवरी 2006 एति की भितर आपनकर डेटा रहति बार छी ओके ठीक अछि ओके जदी अपर एज लिमिट आपन को दरकार देन आपन करि पारिबे जो जेमति आपन कमर्शियल पायलट लाइसेंसेस वगैरह जदी आपन अछि डीजीसीओ रो आपन ए जो स्पेशल अछि सर्टिफिकेट देन आपन को एज रिलैक्सेशन बेसिकली मिली पारिबे ठीक अछि जोडा कि आपन को 26 इयर्स पई अप्लाई हो तो आपन 26 वर्ष जाय जदी डीजीसीओ रो एप्लीकेशन अछि आपन 24 वर्ष हेले भी आपन अप्लाई करि पारे ओके ठीक अछि राइट ओके एटा तो आपन फ्लाइंग ब्रांच पई जदी आपन ग्राउंड ड्यूटी पई देखिबे बोथ फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आपन को अगेन से 22 to 26 इयर्स होती बार अछि दैट इज एज ऑन 1st जनवरी 2024 बुझियो छी ओके सो बेसिकली दिस इज आपन को एज क्राइटेरिया राइट बोथ फॉर फ्लाइंग ब्रांच एज वेल एज फॉर ग्राउंड ड्यूटी सिस्टम्स ओके नाउ आउ कोन अछि देखिबा ओके पे मैट्रिक्स टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्वियसली आपन जॉब करिवे कि आपन जदि एग्जाम पकोचंती आपन जानिबे केते आपन को पे मैट्रिक्स होइबो ओके डिफेंस मैट्रिक्स अनुसार किमा डिफेंस सर्विसेस अनुसार जति आपन फ्लाइंग ऑफिसर देखिबे रैंक टा आपन को पाका पाकी बेसिक सैलरी 56000 रो स्टार्ट हे जिवो 56100 एंड दैट विल गो अप टू पाका पाकी 170000 जाय आपन पाइबे एटा को लेवल आछि लेवल 10 अंडर रे आसुछि आपन को जॉब लेवल 10 थाय लेवल 12 थाय लेवल 14 थाय लाइकवाइज ओके ठीक अछि ओके तापर कोन तो जो माने फ्लाइंग ऑफिसर थिबे ताको जेतेले आपण ट्रेनिंग रे जेबे ताको फ्लाइंग कैडेट्स कहाजे तो जेतेले आपण ट्रेनिंग रे जाउथिबे फ्लाइंग कैडेट्स थिबे आपण को 56100 स्टाइपेंड मिलिबो गोटे वर्ष जाय जो जो पर्यंत आपण आपनकर ट्रेनिंग टा कंप्लीट करि न देछन ठीक अछि ओके ओके आउ कोन कोन क्राइटेरिया जस्टि देखंदो ठीक अछि अगेन तापर कोन जहां भी आपन को अलाउंसेस वगैरह मिलिबो ठीक अछि ऑब्वियसली खाली तो बेसिक पे सैलरी मिलिबोनी डिफरेंट अलाउंस विल आल्सो बी देयर तो आपन को जहां भी अलाउंसेस वगैरह मिलिबो सेटा डिपेंड करिवो कि आपन को पोस्टिंग कोथि होछि आपन को नेचर ऑफ ड्यूटी टा कोथि आपन को जगह फॉर एग्जांपल आपन को हाईली रिस्क जोन रे पोस्टिंग होछन देन ऑब्वियसली आपन को अधिक अलाउंस मिलिबो सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक अछि जेमति कि सपोज आपन को गोटे हिल एरिया रे रहउछन सपोज तो आपन को कंपेंसेटरी अलाउंस भी दिया जाय जीव ठीक अछि ओके ओके तो आपन कोन करबे जते भी एलिजिबल कैंडिडेट आपन एलिजिबिलिटी चेक करंतु जदि आपन एलिजिबल कैंडिडेट देन आपन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करबा पड़िबो राइट ठीक अछि ओके तो आपन को एफकेट एंट्री किमा एनसीसी स्पेशल एंट्री सेटा आपन जदि जीबे वेबसाइट को सेटी ऑलरेडी आपन को एफकेट एंट्री किमा स्पेशल एनसीसी स्पेशल एंट्री ये टैब टा थिबो सेटी जाय कि आपन को ऑनलाइन रजिस्टर करबा पड़िबो ओके जते आपन डिफेंस पई करू जंती कोन कहले रजिस्ट्रेशन समस्त माने गोटे डाउट राय टैटूज को नहीं ओके ऑब्वियसली टैटूज गवर्नमेंट प्रोहिबिट करे डिफेंस सर्विसेज रे देखियो आरो कोन रूल आरो रूल फर्स्ट परमानेंट टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी अदर बॉडी पार्ट ईदर विजिबल और नॉन विजिबल पार्ट एक्सेप्ट ऑन द इनर फेस ऑफ फोरआर्म्स ठीक अछि तातो कोन आपन फोरआर्म्स और इनर फेस को छाडी के परमानेंट टैटूटा विजिबल हो किमा नॉन विजिबल हो अलाउ करा जीवन है आपन को बॉडी रे बुझी होछि ओके ओके सेति पई कोन आपन को सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आनिबा पड़िबो जदि आपन किछि स्मॉल छोटो छोटो टैटूज कि जदि किछि करछन्ते से जगह पार्ट तन आपन को गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आनि कि सेटि प्रोड्यूस करबा पड़िबो ओके ठीक अछि बिकॉज़ दे कम अंडर आपन को सेटा आपन को मिलिटरी डिसिप्लिन अंडर आछि तो ऑब्वियसली जेता आपन मिलिटरी पय पकोछन्ते कि आर्म सर्विसेज पय ताकर क्राइटेरिया कि स्ट्रिक्ट थाय बुझियो छी ओके आउ जदि कोन जदि फॉर एग्जांपल आपन किछि रिलीजियस सिंबल यूज करूछन्ते अछि आपन को बॉडी रे किछि कि सपोज आपन को बापा को नाम लिखिछन्ते कि मां लिखिछन्ते एटसेट्रा सेति में आपन कोन करबे सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट आपन को देबा पड़ो बुझियो छी बट जदी ट्राइबल आर को देखंतु केटा ट्राइब्स थांते तांकर कस्टम थाय कल्चर थाय ठीक अछि तो जो ओके ट्राइबल आपन किछि ट्राइब को बिलोंग करछन ट्राइबल कैटेगरी के आ आपनकर कल्चरल कस्टम जदी किछि टैटूज अछि आपनकर बॉडी मार्क देन आपन कोन करबे ओके सेटा आपन को केस टू केस बेसिस रे डिफरेंट केस बेसिस रे सेटा परमिशन दिया जाय बुझेला सो सेटा डिपेंड कि तांके एफकेट वाले है कि आपन एयर फोर्स ही डिसाइड करो तां कमिशन ही डिसाइड करबो कि को केस को तांके अलाउ करबे आ को केस को रिजेक्ट करबे बुझियो छ तो इट्स बेटर कि टैटू न थिले गुड ठीक अछि ओके काई रिस्क लेबा ओके नाउ द फीस वाला पार्ट केते आपन को फीस कोन देबा पड़ो देखन ओके डिफरेंट कैंडिडेट ऑब्वियसली आपन फर्स्ट एफकेट एंट्री रे रजिस्ट्रेशन करबे ठीक अछि देन आपन को 550 अमाउंट 550 आपन को नॉन रिफंडेबल एटा हला आपन ऑब्वियसली नॉन रिफंडेबल आपन एग्जामिनेशन फी देबा पड़बो केते 550 टका बुझियो छी ओके जदी आपन को किछि क्वेरीज वगैरह जहां भी थिबो अपार्ट फ्रॉम एनी अदर क्वेरीज एंड ऑल दैट कि जहां भी एडमिट कार्ड नै कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नै कि आपन जो मेल आछि apcat@cdac.in एटी आपन मेल करि पारिबे बुझियो छी ओके जा भी सब आपन किछि एलिजिबिलिटी नै कि डाउट हला कि कैडर्स नै कि डाउट हला interview वगैरह नेकी डाउट ला एंड ऑल दैट आपन करि परिबे कि आपन तांगर कांटेक्ट नंबर भी देछन ए कांटेक्ट नंबर रे आपन ताको टोल फ्री नंबर रे कॉल करि कि व्हाट एवर फर्दर इंफॉर्मेशन यू नीड यू कैन गेट ऑल दोस इंफॉर्मेशन from this mail address and from this toll free number. ठीक अछि. Okay, so these are basically the details of the notification. जदि किछि डाउट रहबो आपन कमेंट बॉक्स रे जणाइबे, आमे आपनक क्वेरीज को आंसर करा पे ट्राई करबो. Okay, thank you everyone, best of luck.